নমস্কার দর্শক বন্ধু আমার স্বতন্ত্র উপস্থাপনা আপনার স্বাগত করছি মুৃতি লগ্না দর্শক বন্ধু আপনার যে পরীর কথা চিন্তা করতে আপন কল্পনার আসে যে হাতের জনে ম্যাজিকষ্টিক ধরে থাকব তাঁকর পর ধরা হইকি এবং সে গোটে গাউন পিধি একজাক্টলি সেমিটি যেতবেলা আমি জনে সেফ কথা চিন্তা করো কিচেনে জন হসি হসি খাইব তেয়ারি করুবে আপ্রন পিধিথি मुंडरे मध्य सेफ रो टोपी थिबो सेते बेले कल्पना रे वास्तव रे जणे ही चेहरा सामना को आसंती से होचंती पद्मश्री संजीव कपूर स्वागत करबा तांको तांको सहित आज मन कथा बा अनेक आलोचना करबा तांकर जर्नी विषय जय जगन्नाथ संजीव जी स्वागत है आपका कार्यक्रम थैंक यू वेरी मच बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया आपने नेचुरली क्योंकि टीवी में अगर कोई शेफ दिखा सबसे पहले तो मैं ही था नेचुरली तो कल्पना वैसे ही हो गई है कि सब शेफ ऐसे ही होने चाहिए इंडियाज फर्स्ट सेफ वो टाइम में हम हमको ये सेफ मिले जब मतलब लोग बोलते थे हाउस को अभी भी बोलते हैं तब बहुत ज़्यादा बोलते थे होम को कि तुम क्या ही कर लेते हो घर में बैठते हो खाना बनाते हो कुकिंग कैन बी एन आर्ट कुकिंग इज अ पैशन कुकिंग कैन बी एन एक्सलेंट प्रोफेशन संजीव कपूर ही प्रूव किए हैं टाइम से सब कुछ हो गया है हाँ। माहौल ऐसा था समय ऐसा था आ, बदलाव आ रहा था आ, तो और जरूरत थी। वक्त का जरूरत इन दिनों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पर जब आप सेफ बने उस टाइम कंपटीशन उतना नहीं था सेव का जो दिमाग में एक इमेज हम लोग पहले आपका ही देखे आपके इंस्पिरेशन कौन है क्योंकि हम लोग को जितना पता है आपकी मम्मी वेजिटेरियन है और पापा नॉनवेज खाने पसंद करते हैं बैंकर थे पापा जब संडे कुकिंग में वो एक्सपेरिमेंट करते थे आप इनके पीछे रहते थे इज़ दैट कि आपके पापा ही आपके पहले इंस्पिरेशन है टू तो एंटर इन टू किचन देखिए एक तो पहले कंपटीशन की बात करते हैं ऐसा नहीं कि जब मैं टीवी में आया तो उस समय कॉम्पिटिशन नहीं था बहुत कॉम्पिटिशन था बहुत सारे होटल से बहुत सारे रेस्टोरेंट से बहुत सारे शेफ्स थे Uh, पर टीवी में सक्सेस होने के लिए वो अलग कला थी दैट वाज डिफरेंट तो मैंने uh, अपनी जो सक्सेस uh, अपने प्रोफेशनल फील्ड में वहाँ पर एक अचीव की तो उसके बाद मुझे लगा कि कुछ और भी करना चाहिए कुछ और नया करना चाहिए तो मैंने थोड़ी और पढ़ाई लिखाई करी मार्केटिंग का कोर्स uh, जॉइन किया और uh, टीवी में थोड़ा उसको सीखा समझा कि लोगों को क्या चाहिए कैसे चाहिए किस तरह से बात करनी है कैसे खाना में सिम्प्लिसिटी रखनी है कैसे टीचिंग आनी चाहिए आपको सिर्फ़ खाना अच्छा बनाना नहीं चाहिए तो वो सारा करते करते उसके अंदर सक्सेस आई जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है मदर मैक्सिमम खाना तो मदर ही घर में है बना दी तो ऐसा नहीं है कि मदर को नहीं देखा किचन के अंदर हाँ बिकॉज उस समय मेल इन द किचन जो है वो इतना ज्यादा था हाँ नॉर्थ इंडियन साइड में ये दिखता है हाँ तो नॉर्थ इंडियन में था हाँ। तो नॉन वेजिटेरियन मेरे फादर आ, करते थे तो मेरे कहूँगा कि इंस्पिरेशन के हिसाब से फर्स्ट इंस्पिरेशन yeah. uh, मदर फादर दोनों होंगे बोलते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाते हैं आप मानते हैं ही बात को हंड्रेड परसेंट आपके मतलब जो संघर्ष का यात्रा है वो थोड़ा जानना चाहेंगे क्योंकि आज लोग आपको पद्मश्री सेफ संजीव कपूर के हिसाब से देखते हैं पर बोलते हैं एवरी सक्सेस के पीछे एक स्ट्रगल होता है और स्ट्रगल के आउटकम ही सक्सेस है आपके जिंदगी में वो संघर्ष का यात्रा कैसा था नहीं पहली बात तो मैं इसमें विश्वास नहीं करता okay. कि संघर्ष से सक्सेस मिलती है uh, और uh, जो स्ट्रगल uh, है उसका आउटकम सक्सेस uh, uh, होता है uh, मैं ये कहता हूँ कि स्ट्रगल नेगेटिव वर्ड है अगर मुझसे पूछा जाए तो वट विल बी दॉजिटिव पॉजिटिव इज बिलीफ ओके बिलीफ कि आप ये कर सकते हैं पहले वो सोच दैट hmm. वो जब आप में बिलीफ आएगा कि आप इसको अचीव कर सकते हैं जीत आना चाहिए हाँ तो आप में जब वो बिलीफ आया तो फिर आप उसकी जर्नी लेते हैं कुछ लोग जर्नी को स्ट्रगल मानते हैं तो जर्नी में अच्छी चीज़ें भी होती हैं बुरी चीज़ें भी होती हैं ऐसी भी होती हैं जिसको आप यादगार बनाते हैं और कुछ ऐसी होती है जिसको आप भूल जाने जाते हैं दिस मच पॉजिटिव फ्रॉम डे वन ऑलवेज ऑलवेज सो फॉर एवरी सक्सेस अ बिलीफ देन हैव अ प्लान योर जर्नी एंड इन दैट जर्नी दे वुड बी पार्ट्स जहां पे आपको थोड़ी ट्रेनिंग ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि आपकी काबिलियत से ज्यादा आपकी मेहनत लग रही है लोग उसको स्ट्रगल कह देते हैं लोग कहते हैं जब मैं मुंबई में आया तो मैं पंद्रह दिन तक खाने को नहीं मिला प्लेटफॉर्म पे क्यों ऐसे करने की बात है इतने अगर आपको बहुत सारी चीज़ें मिली बहुत सारी जर्नी में बहुत सारे बहुत चीज़ें मिली होंगी आपको बहुत कुछ मिला होगा आप उसको सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हो ना आप उसकी बातें कर रहे हो जो अच्छा आपके साथ में हुआ आप उसकी लेकिन आप वही बातें करोगे कि जो आपके पास में हाउ इज़ दैट इंस्पिरेशनल लोग कहते हैं कि नहीं वो इंस्परेशनल होता है मैं कहा विश्वास जो है वो ऐसा नहीं है कि, कि किसी के पास कुछ नहीं था सब कुछ हो गया तो उसी से विश्वास आता है विश्वास में हर मोड़ पे, हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा आपको उसको याद कीजिए और उसकी चर्चा कीजिए और उससे विश्वास बढ़ाइए तो मैं इस इस पूरे जो नोशन है उसको चेंज करना चाहता हूँ माई बिलीफ इज दैट इट कैन बी चेंज दुनिया भर में संजीव कपूर को सब मानते हैं पर संजीव कपूर को कौन इतना खुश किया है खाना दे के मतलब हु इज द फेवरेट सेफ ऑफ संजीव कपूर तो आ, मैं सबको ये बताता हूँ कि खाना हमेशा अच्छा होता है हमेशा तो नहीं होता तो होता है लोग अच्छे या बुरे होते हैं ओके okay. कभी कोई ऐसा खाना नहीं होता जिसको डायबिटीज़ हो जिसका हार्ट अटैक हो गया ऐसा थोड़ी <laughs> कुछ होता है लोग आते हैं ऐसा तो खाने में से आपने क्या अच्छा चुनना है राइट right? आपको आप फोकस करेंगे कि कौन सी चीज़ उसमें ठीक नहीं है तो आपको वही नजर आएगा मुझे तो सारे खाने अच्छे दिखते हैं किचन में घर में किसकी चलती है ज़्यादा किचन में मैं तो मतलब जो घर में ज़्यादा किचन मेरे उसकी चलनी चाहिए ऐसे <laughs> <laughs> हमारे घर में कोई ऐसा बहुत बड़ा रूल नहीं है कि कौन किचन में रहना चाहिए सबको खाना अच्छा लगता, लगता है हुएवर इज़ देर कैन बी देर देयर इज़ नो फिक्स रूल बट अगर मेरे फेवरेट की बात की जाए तो अगर मैं उड़ीसा में आया हूँ तो आज जो जो मुझे खाना खिलाएंगे वो मेरे फेवरेट हो गए जिनके हाथ का बना हुआ मैं खाना खाऊंगा और मैं सब कुछ खाता हूं। में श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो हम उड़िया में कहते हैं, yes. आप कभी खाने का सौभाग्य मिला बिल, है बिल्कुल, बिल्कुल, 100 मिला है और आज भी आ, आज भी मिलेगा जब भी लव मैरिज होता है बोलते हैं कि मोहब्बत में लोग क्या कुछ नहीं करते हैं पहला डिश जो सेफ संजीव कपूर ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाए थे वट वॉज द डिश एंड हाउ व रिस्पॉन्ड ओके सो मेरे केस में मेरे लिए उन्होंने दोसा बनाया था मेरी पूरी फैमिली के लिए ओके okay. <laughs> तो हम जब गए आ, उनके घर में तो शेड मेड डोसा फॉर एवरीबडी चीज़ें गुजराती सबको अभी तक आ, याद है क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल शेफ़ हूँ तो आ, मुझे मिलने होटल के अंदर आती जहाँ मैं शेफ़ एज ए शेफ़ काम करता था तो बहुत सारी चीज़ें आ, खिलाता था राइट बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी कि कभी कहाँ पे मैं जा काम कर रहा हूँ उससे पहले रिसर्च किए थे कि मैडम का क्या फेवरेट है क्या नहीं, नहीं, नहीं इतने ये लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्या रिसर्च करना है तब थोड़ी ये पता था कि इतने साल बाद ये इंटरव्यू होगा ये याद रखो <laughs> क्या खिलाया था नहीं पता होता लाइफ में ना नॉर्मल लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं ये ये बड़ी फिल्मी सी लाइफ बनाते नहीं ये इसको हम बना देते हैं क्योंकि इतना पूछते हैं तो मेरे लिए झूठ बोलना बड़ा आसान है मैं कुछ भी बोल दूंगा और सब लिखना शुरू हो जाएंगे ऐसा था ना कोई वो है मैं लोग कहता हूँ कि जो फेमस होते हैं उनको सब कुछ पता होता है कैसे पता होता है मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था मेरी लाइफ बड़ी नॉर्मल सी हमेशा से ऐसी रही है कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे पास तो फ़ोटो भी नहीं है ऐसे कोई क्योंकि कैमरा नहीं था हमारे पास में जो फेमस होते हैं उनके पास सारे उसके ना सारी चीज़ें मिल जाती हैं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ बट एक्चुअल लाइफ के अंदर जो नॉर्मल जिंदगी होती है उसमें वो ऐसे नहीं चलती है नॉर्मल ज़िंदगी नॉर्मल ही चलती है लेकिन हमें ऐसा विश्वास होता है कि नहीं अगर आपने ये कुछ अचीव कर लिया है तो पता नहीं क्या क्या होगा कैसे कैसे होगा उसमें तो कुछ ऐसे ज़रा सा मिल जाएगा अगर मैं आज आपको अब यहाँ पर कि मैं जब दो महीने का था तो मैं रुमाली रोटी बना कैसे उड़ाता था अरे दो महीने का बच्चा खड़ा नहीं हो सकता क्या लो? लेकिन वो मीडिया लिखना शुरू कर देगी सो आई थिंक जो कोई भी चीज़ है कि मैंने क्या बना के खिलाया मुझे पिछले हफ्ते का याद नहीं है आपको बचपन से पता था आप शेफ बनोगे मैं क्या मुझे ये नहीं पता था शेफ़ कौन होता है बचपन में तो मैं कैसे मुझे बचपन से बन जाता नहीं पता था मुझे तो मैंने इसलिए अपनी मेरी जो बेटियां हैं जब बहुत छोटी थी तो तब से उनको मैं पूछता था कि बड़े हो क्या बनना है ताकि शायद इनको बताओ मुझे तो नहीं पता था बाकी सबको कैसे पता होता है तो मुझे याद है मेरी छोटी बेटी कुछ आई थिंक छः सात साल की थी उसको पूछा मैंने कहा बेटा क्या बनना है मुझे मम्मी बनना है हम सोचते हैं कि क्या बनना है हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं पर जब बच्चे होते हैं ना जरूरी नहीं है कि प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हो उनकी थिंकिंग कुछ आ, अलग होती है सो so, आपको ये बहुत आ, आ, स्टोरी टेलिंग के लिए अच्छा लगता है सारी चीज़ें किल इट इज वॉट इट इज इन इन रियल लाइफ है रियल एंड अगर आपकी स्टोरी रियल नहीं है तो आप रियल इंसान नहीं है वो सिर्फ स्टोरी है अब स्टोरी जिंदगी है आपकी मैं उसमें विश्वास नहीं रखता मैं बिल्कुल आ, जैसा हूँ वैसा ही हूँ कोई कोई आ, उसके अंदर आ, बहुत ज़्यादा नहीं 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 करता बिल्कुल okay. संजीव जी कभी, कभी कभी कुछ लोगों को देख के कुछ इंसानों को देख के हमको लगता है भगवान शायद 24 आवर से ज्यादा समय उनको दे दिए हैं क्योंकि आप एक संग बहुत काम करते हैं आप ट्रैवल करते हैं फिर आपका फूड चैनल है इसके बाद आप शोज करते हैं होस्टिंग करते हैं रेस्टोरेंट है आपका इतना टाइम मैनेजमेंट इसके बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है घर से संजीव कपूर इज गुड फैमिली मैन यस वाई नॉट कैसे करते हैं इतना पॉसिबल है सबके लिए पॉसिबल है मतलब आप उसको आ, किस तरह से प्लान करते हैं छुट्टियाँ जाते हैं तो मैं छुट्टी कुछ रूल बनाने पड़ते हैं छुट्टियाँ फैमिली के साथ में ही जाता हूँ मदर को भी लेके जाता हूँ मेरी मदर इन लॉ को भी लेके जाता हूँ बच्चों को भी लेके जाता हूँ सब ऐसे ही जाते हैं कभी पार्टी में ऐसे आ, मेरे ख्याल से पिछले तीस साल में आ, कभी ऐसे अकेला जाते नहीं हो वाइफ के साथ जाता हूँ कोई मुश्किल थोड़ी है रूल बनाना ही, राइट तो आप कैसे रूल बना लेते हैं आप किस तरह से उसको अचीव करते हैं सारी अगर आप गुड आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं आप गुड मैनेजर हो लेकिन आप फैमिली नहीं मैनेज कर सकते देनी बैड मैनेजर तो आप अच्छा काम कर ही नहीं सकते अगर आप अपने अपनों को मैनेज नहीं कर सकते तो इतना तो आना चाहिए तो गुड मैनेजर जो है वो सारे कर लेगा बहुत अच्छा ओडिया फूड कितना पसंद है संजीव जी को रिसेंटली अभी आप मेरे एक मीडिया फ्रेंड से कांजी के रेसिपी के बारे में सुना है पूछे थे करेक्ट देखिए मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेरा हमेशा ये विश्वास होता है कि आप जहाँ पे जाएं वहाँ के लोगों से मिलें कीप लर्निंग कीप लर्निंग एंड कीप कंज्यूमिंग दैट लोकल जो कुछ भी है अगर आप आगरा गए तो वहाँ पे एफिल टावर थोड़ी ढूंढेंगे एग्जैक्टली exactly. right? देखेंगे तो महल आप यहाँ पे आएंगे तो आप पूरी जाएंगे आप जगन्नाथ टेम्पल आप जाएंगे ही जाएंगे उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं तो यहाँ का खाना भी आप वही खाएंगे तो मैं हमेशा जब जहाँ पे भी जाता हूँ मैं सबको ये बताता हूँ कि वहाँ का टेस्ट चखो वहाँ के लोग वहाँ की भाषा सुनो वहाँ की हवा कैसी है वहाँ का पानी कैसा है वहाँ की मछली कैसी है सब कुछ आप आप ट्राई जब तक वो नहीं करेंगे तो यूल नॉट बी एबल टू ब्रीद दैट प्लेस यू हैव टू ब्रीद्लेस इंड वी आर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया ये सबसे अच्छी बात है कि बहुत वेराइटीज़ फूड है बहुत वेराइटी सब कुछ है सब कुछ में मतलब जो मसालेदानी है ना हमारी वो सेम है अगर आप देखें तो उसके अंदर जो मसाले हैं लेकिन तो फिर भी इतने अलग अलग तो चीज़ें चेंज करते हैं।, हैं थोड़ा थोड़ा इधर से ऐसे कर देते हैं कि मतलब ओके मस्टर्ड जो है वो ब्लैक वाला भी होगा येलो वाला आ, भी होगा हरी मिर्च भी होगी लाल मिर्च भी होगा धनिया भी होगा हल्दी भी होगी बट थोड़ा कॉम्बिनेशन हल होगा किसी में कभी पॉपी सीड आ जाएगा किसी में कच्चा आम आ जाएगा किसी के अंदर कुछ इमली आएगा कहीं पे कोई कोकोनट आएगा कहीं पे नहीं आएगा कहीं देर सो मच टू टेस्ट अब कांजी की आप बात करें वो भी मोरिंगा लीफ अभी वो इतना बढ़िया पेड़ है उसमें आप ड्रम स्टिक उसके जो फ्लावर्स हैं उसकी सब्ज़ी इतनी अच्छी बनती है उसकी जो पत्तियां हैं मुझे याद है मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ खाना खिला रहा था तो उसमें ड्रमस्टिक आई मेरे को अच्छी लगती है क्या बात कर रहे हो जी मुझे तो बहुत पसंद है ये मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं ये और फिर उन्होंने आ, मैंने कहा कि हाँ सर इसकी जो पत्तियाँ मैंने इतना बोला अरे मोरिंगा लीव तो अब इतनी पॉपुलर हो गई है इतनी महंगी बिकने लग गई है इतना सब कुछ हो गया अब उसकी यहाँ पे उड़ीसा में कांची फर्मेंटेड जो चीज़ें हैं फर्मेंटेशन जो है गट के लिए हमारे बहुत हेल्दी माना जाता है आ, ये जो साइंस ऑफ फर्मेंटेशन है वो घर घर में होती है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी है कोई भी कल्चर को बढ़ाना खाना अभिन्न भाग है उसका तो यूज दिस कर करना चाहिए और बहुत आगे ले जाना 100%. चाहिए तभी कल्चरल भी आगे जाएगा और बहुत अच्छी बात है जब भी हम लोग आपको किचन में देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि खाना बनाना बहुत ईजी बात है संजीव कपूर के लिए पर हमारे लिए तो ये, नह, ये नहीं है क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इंग्रेडिएंट्स बहुत सारा है जो हम लोग फैंसी फूड और गुड फूड दो चीजें डिफरेंट करते हैं यूजुअली घर में अगर हर दिन अच्छा खाना बनाना चाहेंगे इज दैट पॉसिबल हंड्रेड बहुत पॉसिबल है बोलते ना नमक स्वाद अनुसार कभी आता है कभी आता ही नहीं है नहीं नहीं नमक तो हो जाएगा अपना स्वाद थोड़ा सा एडजस्ट कर लें ओके सो ये स्टेट ऑफ माइंड है okay. <laughs> so, स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप किसी चीज़ को अच्छा मानना चाहें तो आप मान सकते हैं एक ही इंसान अगर उसकी आपने कुछ थोड़ी सी कमियाँ अगर आपने कुछ देर के लिए सोचा कि नहीं कोई बात नहीं जाने देते हैं उस पर फोकस नहीं करते हैं। तो इंसान ही अच्छा हो जाता है कुछ करने की ज़रूरत नहीं कि उस इंसान ने कुछ नहीं बदला ऐसे ही खाना है जब आपके पास में खाना आता है तो आप उसमें जो आपकी एक्सपेक्टेशन है आप ये सोच रहे हैं कि वाह ये जो है बहुत बढ़िया है लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन में आ गया कि पता नहीं कैसा बना होगा आप में वो मैंने बिलीफ की बात की राइट तो ये बिलीफ जो है खाने में बहुत काम करता है इसीलिए हमारे यहाँ पे खाने को जब भी खाना है खाने को पहले भोग लगाया जाता है फिर हम खाते हैं और प्रसाद में कमियाँ नहीं निकाली जाती तो कभी ऐसे होता है हमेशा अच्छा लगता है कभी तो प्रसाद हमेशा अच्छा लगता है तो खाना जब भी खाएं उसको प्रसाद समझ के खाएं कभी खराब नहीं मिलेगा बहुत अच्छी बात है हाल ही में आपकी बेटी की शादी हुई सब वीडियो भी वायरल हुआ आप बहुत खुश थे पर हमेशा शादी में ये लड़की से पूछा जाता है कि बेटी खाना अच्छा बना ले तो दामाद जी कितना खुश है कि मेरे ससुर जी देश के सबसे अच्छा खाना बनाते हैं हाँ, तो नहीं मेरे जो दामाद वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते लॉयर हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है पर खाना बनाने का बहुत शौक है तो हमारी बेटी भी खुश है दामाद भी खुश है आप भी खुश है Uh, अभी जो लोअर मिडिल क्लास का लोग हैं वो लोग अगर फूड बिजनेस करना चाहेंगे जैसे कि कोविड में आप देखिए बहुत जन के पास पैसों की कमी एंड जॉबलेस थे बहुत लोग अगर मैं कुछ शुरू करना चाहूँगी तो कहाँ से शुरू होना चाहिए आप बहुत एक्सपर्ट के हिसाब से आपकी एडवाइस देखिए अगर बिजनेस किसी भी चीज़ का बिज़नेस शुरू करना है तो पहले तो ये देखना चाहिए अगर आपको कुछ बेचना है तो बेचेंगे किसको बेचेंगे सबसे पहले अगर वो खरीदने वाले आपको नज़र आ रहे हैं कि इनको बेचा जा सकता है और आपके पास में ऐसा लग रहा है कि ये खरीदने वाले लोग हैं तो थोड़ा सा उसका रिसर्च कर लें दो चार एक दो चार से लोग से पूछ लें कि अभी क्या खा रहे हैं वो कितने का खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं अगर आपको ये लग रहा है कि थोड़ी सी कोई अनमेट नीड बोलते हैं कि ये कोई एक कमी सी रह रही है शायद इनके पास में इनको ये ऐसा कुछ मिल जाए और इस प्राइस में मिल जाए तो ये खुश हो जाएंगे तो आपको ऐसा लग गया कि एक नीड है वो लोग हैं जिनके पास में जिनकी ज़रूरत है आ, कुछ खाना जो खरीद सकते हैं कैपेसिटी है उनके पास में पैसा कित तो वो पहले सबसे पहले ज़रूरी ऐसे नहीं कि आप खाना बना लेते हैं तो उसकी ज़रूरत लोगों के पास हो बिना ये एक बहुत जरूरी चीज होती है कि कोई भी बिजनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन नहीं लोगों को चाहिए या चाहिए मार्केट है या नहीं है आप बैठे हुए हैं संन्यास लेके जंगल के अंदर वहां पर आसपास कोई है नहीं आपने रेस्टोरेंट खोल दिया वहां पे आप कह रहे हैं हमारा रेस्टोरेंट चलता ही नहीं अरे कोई था ही नहीं आप सन्यास लेने जंगल में गए थे वो तो आपकी प्रॉब्लम थी तो सन्यासी बने रहो रेस्टोरेंट मत खोलो बट अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले मार्केट असेस कर लें क्या मार्केट क्या प्राइस पॉइंट पे, है क्या नीड है और फिर अपनी उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज फिट होती है नहीं होती है उसको असेस करें अगर हो रही है तो कभी rest, कभी फूड का बिजनेस फेल नहीं होगा बहुत अच्छी बात है अभी जानना चाहूँगी संजीव कपूर जी के सीक्रेट ऑफ स्माइल मतलब हम लोग जब भी देखते आ रहे यू ऑलवेज ग्रीट विथ फूड स्माइल ये पहले से था आपके अंदर से अंदर से आती है करना नहीं पड़ता सो so, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर अगर आपको करनी पड़नी है तो आप नहीं हो शायद यही चीज़ आपको बेस्ट होस्ट भी बना चुका है काम नहीं करना पड़ेगा उस पर राइट <laughs> अगर आपको उस पर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है कु, कुछ चीज़ें मतलब मैं सबको बताता हूँ कि मैं कभी भी शो करता हूँ खाना जो बनाता हूं, जिस से मैं बनाता हूँ जिससे मैं शुरू करता हूँ उसी से अंत करता हूँ ऐसा नहीं है कि हुआ अच्छा ये मैंने पहले से बना के रखा है ऐसा कुछ नहीं करता मैं जो जो बनाता हूँ वैसे ही उसे प्रोसेस बिल्कुल वैसे बीच में कट कर लेंगे रोक देंगे पर खाना नहीं रुकता मेरा खाना बिल्कुल वैसे ही बने क्योंकि उसमें सच्चाई होनी चाहिए मेरा मानना है कि खाने में सच्चाई होनी चाहिए और अगर कुछ गल, गलत भी हो गया तो मैं खास बोलता हूँ कि देखो ये पार्ट ज़रूर आप दिखाएँ क्यों क्योंकि अगर मुझसे गलती हुई है तो लोगों से भी गलती हो सकती है ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ही होता है इतने साल से खाना बना रहा हूँ आज तक कभी कोई डिश दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है बहुत खूब कभी नहीं लेकिन वो जो सच्चाई है मैं कभी जैसे मुझे याद है बहुत साल पुरानी बात है हम लोग शूट कर रहे थे और एक फिश थी बाहर बहुत स्टूडियो के बाहर बहुत बारिश आ रही थी लास्ट डिश थी तीन दिन का स्कैड्यूल था लास्ट एपिसोड की लास्ट डिश हम शूट कर रहे थे और जैसे ही मैंने वो फिश शुरू करी और तो मुझे फ़िश में से स्मेल ठीक नहीं आई तो मैंने कहा कट करें मैंने कहा फिश रिप्लेस करके मुझे फ्रेश वाली फिश दें तीन चार पाँच मिनट लास्ट लास्टिज थी आ, शिफ्ट ख़त्म हो रही थी टाइम ज़्यादा हो रहा था तो पता चला कि फ़िश जो थी वो एक्स्ट्रा नहीं थी हमारे पास होल फिश मैं कर रहा था कि सर नहीं है तो हमारे भी ऐसे पीसीआर रूम में से डायरेक्टर का कमेंट आया सर एकदम बढ़िया दिख रही है कोई प्रॉब्लम नहीं आप इससे बनाओ स्क्रीन पे बहुत अच्छी दिख रही है मैंने कहा नहीं स्क्रीन पे दिखने से नहीं मुझे नहीं स्मेल ठीक आ रही कहते सर स्क्रीन पे ठीक हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है आप आप बनाइए मैं कहा मैं नहीं बना सकता तो स्क्रीन में भी फेक नहीं लगना चाहिए नहीं ऑनेस्टी होनी चाहिए ऑनेस्टी होनी चाहिए बिकॉज अगर आप वो नहीं कर सकते okay. तो सबने कहा कि सर अब ये जो एपिसोड पूरा नहीं होगा अगली बार जब आप इसको करेंगे हम आ, एक महीने बाद पूरे एक महीने का कोटा करते थे मैंने कहा उसके बाद में क्या सर किचन में फिर वही वैसा ही पेंट होगा किचन वैसे ही सेटअप करनी पड़ेगी क्योंकि हम सेट न, लगाते थे आ, आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा आपके जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन करनी पड़ेगी वो कैसे होगा ये कैसे होगा सो बड़ा मुश्किल है सर कर लो प्लीज़ कर लो पंद्रह साल बाद वो जो डायरेक्टर है वो यूएस में बहुत बड़े डायरेक्टर हैं वो ये कहानी अब वो सुनाते हैं कि ये मैंने संजीव कपूर से सीखी कि किस तरह से सच्चाई होनी चाहिए काम के अंदर तो वो अब वो काफ़ी मतलब आ, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर की टीम में है न्यूज़ का डायरेक्शन करते हैं और वो इस बात की चर्चा करते हैं कि किस तरह से वो ज़रूरी है कि कहाँ से उन्होंने ये सीखा तो uh... सबसे अच्छी बात आपका ये लगती है कि यूजुअली सेफ लोग बताते नहीं है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या है पर हम लोग आपको देखते आए हैं आप पहले ये बताते हैं कि जो मेरे पास है वो आप सीखना चाहिए यू कीप शेयरिंग इसीलिए आप आगे जा रहे हो सक्सेसफुल हो रहे हो सर लास्ट में यही बात पूछनी चाहूंगी अप्रीशिएशन अवॉर्ड आपका लाइफ में डिफिनेशन क्या है हाउ यू डिफाइन इट सो आई थिंक अप्रिसिएशन अवॉर्ड रिवॉर्ड रेकग्निशन जितना है आई think थिंक दैट better बेटर pointing पॉइंटिंग आउट एंड पॉइंटिंग फॉल्ट अगर आपको कोई भी चीज़ में कुछ भी अच्छा पाना है तो अच्छाई से ज़्यादा अच्छा मिलेगा बुराई से कम मिलेगा तो अगर चाहे वो बच्चे हों बड़े हों कोलीग हों कहीं पे भी हों तो जो काम आप प्यार से करवा सकते हैं वो डांट के नहीं होगा हैविंग सेड दैट मैं ये नहीं कहता कि uh, मैं डांटता नहीं uh, वो एक चीज़ है मैं जिसको काफ़ी सालों से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ज़्यादा डांटते नहीं हैं पर आपके जो वो आपको डरते भी हैं नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं डांटता मैं डांटता मैं, <laughs> मैं तो इस, लेकिन मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा, okay. रहा कि मैं परफेक्ट हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परफेक्ट हूँ मैं कह रहा हूँ कि मैं डांटता भी हूँ लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा बदलूँ थोड़ा सा उसको कम करूँ अप्रिसिएट ज़्यादा करूँ क्योंकि मुझे उसकी पावर पता है कि अप्रिसिएशन की पावर जो है वो डांट से ज़्यादा है बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके वक्त के लिए और इतनी अच्छी बातें के लिए थैंक यू वेरी मच